लेकर कितने एक्साइटेड हैं और क्या शुभकामनाएं होगी सुधा जी को इस बुक के लिए और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी एक ऑथर हैं, बुक ऑथर हैं। देखिए, पहले तो मैं इनको शुभकामना दूंगा कि इनकी ये 7वीं किताब आ गई है और ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे है। आपको मालूम है कि दुनिया सिमटती जा रही है, ग्लोबल विलेज बढ़ती जा रही है, ट्रांजैक्शन बढ़ते जा रहे हैं, लोग फाइनेंस पैसे लगाते हैं अलग अलग कंट्रीज में जहाँ वो रहते नहीं हैं, जहाँ के लॉस के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है, तो हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं मेरे पैसे डूब न जाएं। और पैसे बहुत मेहनत से कमाए हुए होते हैं और कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि उनके पैसे कहीं पर जाकर बर्बाद हो जाएं। तो हमको लीगल सिस्टम क्या है उस कंट्री का, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। अब इंडियन भी बहुत सारे बाहर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी कमी थी वो कि अगर हम कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहें या हमारे देश में कोई बाहर का आदमी आके इन्वेस्ट करना चाहे, तो रूल्स ऑफ बिजनेस क्या है, ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगे, क्या कंप्लाइंसेस होनी चाहिए, उसको इन्वेस्ट कैसे करें, प्रोसीजर्स क्या होंगे, क्या चीज़ परमिसेबल है, क्या परमिसेबल नहीं है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी एक मुझे खुशी है कि सुधा जी ने यह किताब लिखकर इस कमी को पूरा किया है। ये बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई किताब है, इसको कोई भी समझ सकता है, इसके लिए कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, एक रेफरेंस बुक है। ये अभी टैक्सेशन के हमारे एक ऑफिसर थे, उन्होंने भी कहा कि इंटरनेशनल टैक्सेशन भी एक हमारा इनकम टैक्स का असेसमेंट का हिस्सा है, तो उनको भी इसमें गाइडेंस मिलती है। तो मुझे खुशी है कि वो जो कमी लोग महसूस कर रहे थे बहुत दिनों से, उस कमी को इन्होंने दूर किया है और इस किताब से मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों को गाइडेंस मिलेगा, रेफरेंस बुक के तौर पर यूज़ होगी। और इंडिया में इन्वेस्ट करना या इंडिया के बाहर इंडियन को इन्वेस्ट करना, इस दोनों में एक बड़ी उनको मदद मिल सकेगी, गाइडेंस मिल सकेगी। और ऑथेंटिक चीज़ें हैं, लॉ क्या है, प्रोसीजर क्या है, कौन से सेक्शन में क्या इनकम टैक्स एक्ट कहता है, क्या फेमा कहता है, क्या दूसरे एक्ट्स कहते हैं, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इस किस्म की चीज़ें अब इंडिया में लिखी जाने लगी, वरना हम लोग तो आज तक बाहर के लोगों की किताबें पढ़ा करते थे और उनको रेफरेंस बुक समझा करते थे, तो ये कमी पूरी हुई है। मैं इसके लिए इनको शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जैसे चूँकि इनकम टैक्स के लॉज और बहुत सारे एक्ट टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, अमेंड होते हैं, तो ये अप टू डेट रखें उस किताब को, ताकि जो भी आदमी उस किताब को पढ़ रहा है तो उसको अप टू डेट नॉलेज मिल सके। ये बड़ी अच्छी बात है और मैं चाहता हूँ कि इस किस्म का एक माहौल हमारे कंट्री में बने जहाँ के प्रैक्टिशनर ना सिर्फ के प्रैक्टिस करें बल्कि वो टीचिंग में आए, वो गाइड करें, वो लोगों को समझाए, रास्ता दिखाए। वो लोग जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं और जिनको वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर सीए इसमें एक्सपर्ट नहीं होता है, तो वो सवालों के जवाब मिले। तो मुझे खुशी है कि आज मैं यहाँ पर आया और इस किताब को मैंने लॉन्च किया। ऑथर शुभ को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत से बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किताब तैयार की। देखिए, क्या है कि इंटरनेशनल जो एक लॉ है जो हम मानते हैं, हमेशा ऐसा सोचते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट लॉ है या बहुत ही डिफ़िकल्ट है दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस करना या बाहर वाली कंपनीज को आके इंडिया में बिजनेस करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इंटरनेशनल टैक्स की या इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें सारी दुनिया के लॉ पता होने चाहिए। हमें कुछ अपने लॉ पता होने चाहिए और जो अपने कंट्री के साथ वट एवर ट्रीटी द कंट्री हैज़ एंटर्ड इन टू विद द कंट्री इन विच वी आर डूइंग द बिजनेस, वी शुड नो दैट। और मेन पर्पज़ जो बुक का यही है कि लोगों के लिए जो सब बिजनेसेस के लिए जो एक हवा बना दी गई है चीज़ें, उसको सिंप्लीफाई करना। और चार चीज़ें हैं सिंपली, जैसे मैंने पुट किया कि अलाउबिलिटी आप चेक कर लीजिए, वल्नरेबिलिटी चेक कर लीजिए, एक्सप्लेनेबिलिटी देख लीजिए, और अपना अकाउंटेबिलिटी जहाँ ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना है वहाँ उसको रिपोर्ट करिए। तो एक क्या है, गाइडेंस मिल जाती है। और इफ़ यू सी, हमारा एम अभी क्या है, खालिद साहब ने बिल्कुल कितना अच्छे शब्दों में बोला, अभी अपना एम, पूरी कंट्री का एम है कि मोदी जी का सपना, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सपना सच करना, 5 ट्रिलियन USD की इकोनॉमी बनाना 2024-25। वो इकोनॉमी कैसे बनेगी, हम अकेले बना पाएंगे, अपने ही घर में कर के नहीं बना पाएंगे, बाहर का पैसा चाहिए। तो बाहर का पैसा जब आता है तो उन्हें कॉन्फिडेंस चाहिए कि हमारे पास यहाँ जो लीगल सिस्टम है, जो हमारे यहाँ के कंप्लायंस लॉ हैं, जो हमारे के हम भी हैं जो ग्लोबल लॉज को अडॉप्ट कर रहे हैं, एंड वी आर डूइंग नाइसली इन दैट। सो दिस रिफ्लेक्ट्स दैट वी हैव नॉट ओनली द नॉलेज बट ऑल्सो वी हैव द पीपल हु आर विलिंग टू कम्प्लाई। एंड एज एन इकॉनमी वी आर मूविंग मोर एंड मोर टूवर्ड्स सेल्फ गवर्नेंस एंड कम्प्लायंस। तो यही एक विचारधारा से लिखी थी पुस्तक, कि
जो एक कॉम्प्लेक्स लॉ है जिसको बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है उसको सरल बनाया जाए, दिखाया जाए कि इंटरनेशनल, हमारे पास इंटरनेशनल टैक्स की और लॉज की नॉलेज है और एक जो मोदी जी का सपना है उसको साकार करने का ही एक सपना है हम लोगों का एज अ कंपनी, एज अ टैक्सपर्ट प्रोफेशनल्स, हम लोगों का यही एक सपना है कि हम मोदी जी के सपने में थोड़ा सा अपना योगदान कहीं ना कहीं बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम कर सकें। थैंक यू सर। बुक लॉन्च के लिए आज का ही दिन क्यों चुना गया था और खास करके खालिद सर को ही क्यों चुना गया था? सर आपने, अब देखिए खालिद साहब खुद एक पोएट हैं एंड आई एम रियली ऑनर्ड एंड थैंक यू वंस अगेन खालिद साहब कि आपने इतना अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के यू हैव चूजन टू कम हेयर, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रिविलेज। देखिए खालिद साहब को क्यों चुना, वो बिकॉज ही अंडरस्टैंड कि व्हाट गोज इन राइटिंग, जो राइटिंग है ना, मैं आपको, खालिद साहब को ज़्यादा नॉलेज होगी बट जो राइटिंग है किसी भी चीज़ को डिफ़िकल्ट बनाना बहुत ईजी है बट एक डिफ़िकल्ट चीज़ को ईजी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो राइटिंग एक जो कला है वो ऐसा लगा कि खालिद साहब कहीं ना कहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए खालिद साहब एंड बिकॉज ऑफ हिज हायरार्की, बिकॉज ऑफ सच अ हाई पोजीशन, वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इनवाइट हिम। मैम आपने 5 ट्रिलियन की बात की लेकिन इकॉनमी की हालत बहुत ही खराब है, तो ऐसा आप देखिए क्या करना चाहिए जिससे गवर्नमेंट को इकोनॉमिक रिवाइव हो, बजट में क्या आना चाहिए, आप क्या एडवाइस देना चाहिए मोदी जी को? मेरा तो ये मानना है, आप ये लगाइए कि जब भी कोई चीज़ बदलाव आता है, जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो एक भूकंप आता है, वो हिलती है। तो हमारी इकोनॉमी में हम लोगों ने समझा नहीं है, हमने एथिक्स, गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस, कंप्लायंस हमने समझा नहीं पाए, हम वो समझ रहे हैं। जो अपनी इकोनॉमी है वो ऑन द वर्ज ऑफ बदलाव बैठी है। वी इनकॉर्पोरेटेड GST, डीमोनेटाइजेशन और जो ये IBC आया है अभी, आप मानिए इट इज़ अ रिवोल्यूशनरी एक्ट, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया है, इट इज़ अ रिवोल्यूशनरी एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो ये जो एक्ट आए हैं हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। मैं मानती हूँ, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि क्रेडिट की बहुत ही ज़्यादा सूख गया है, अभी क्रेडिट नहीं है अवेलेबल कंट्रीज के, अपनी कंपनीज के पास, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि धैर्य रखें। हमारे जो बिजनेस हाउसेज हैं हम जानते हैं, वी आर ऑल्सो फीलिंग बिकॉज हमारे, धैर्य रखें, ये एक साल का पीरियड है, धैर्य रखें और इट विल बी गुड। हम लोग एक शिफ्ट कर रहे हैं अपनी एज को, हम लोग उस वर्ज पे हैं कि हम बहुत ही अच्छा, अच्छे दिन आ रहे हैं, वी आर ऑन। अली जी आप कुछ कहना चाहिए, अच्छे दिन आ रहे हैं या जा रहे हैं? मैं तो चूंकि शायर आदमी हूँ तो मैं शायरी में आपको बता दूँ। बहुत पहले इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल ने, कि कुछ बात है कि हंसती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, हम इंडिया ऐसे हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस कभी ख़त्म नहीं हुए, हालांकि एज वक्त हमारा बहुत दुश्मन, सदियों तक रहा है दुश्मन, हम ग़ुलाम भी रहे, तो इंडिया जो है उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है बाउंस बैक करने की, और इस कंट्री ने इसको बार बार साबित किया है तो अब भी साबित होगा। एंड ये वो कंट्री है जिसने हमें हमेशा से उम्मीद करना, होप रखना ये सिखाया है, और ये सिखाया है कि डिस्पाइट व्हाटएवर ऑड्स वी फेस विल कम आउट ऑफ इट। थैंक यू। जब भी कोई नई चीज़ शुरू होती है तो मन में बहुत सारी आशंकाएं होती हैं, लेकिन ग्लोबली जहां पे भी ऐसी चीज़ें चालू हैं वहां पे कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ का तो कोई रिपोर्ट आया नहीं, तो हम इसको अभी ट्रायल के बेसिस पे शुरू हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग कैपेबल हैं इस चैलेंज को हैंडल करने के लिए। जी बिल्कुल ज़रूरी है, जैसे आप जानते हो हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग रहते हैं और ये 130 करोड़ लोग सिटीजन्स नहीं है, 130 करोड़ कस्टमर्स हैं। सारी दुनिया जानती है हिंदुस्तान सबसे बड़ा मार्केट है, 130 करोड़ लोग रह रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं। आप किसी भी लाइन में देख लीजिए, गूगल को देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, अमेजोन देख लीजिए, फ्लिपकार्ट देख लीजिए, उबर देख लीजिए, सब कंपनीज़ के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान से जा रहा है, और हिंदुस्तान को बदले में क्या मिल रहा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी कुछ क्लेम बनता है, क्योंकि बिजनेस आपका यहाँ पर हो रहा है, रेवेन्यू आप हमारे देश के 130 करोड़ लोगों से कमा रहे हो, लेकिन उन सबको टैक्स करने के लिए क्या होगा? गवर्नमेंट कुछ प्रोविजन्स लाएगी, कुछ सेक्शंस एक्ट में ऐड होंगे,
उन सेक्शंस को समझने के लिए इस टाइप की बुक्स की ज़रूरत है। बुक्स बताती है कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एक्सपोर्ट क्या होगा, उसको टैक्स कैसे किया जाएगा। तो जितने पैसे ये सब कंपनियां कमा रही हैं, सब MNCs और बड़ी बड़ी कंपनियां, उनमें हमारा रेवेन्यू में हिस्सा होना चाहिए जो अभी तक हमें नहीं मिल रहा है, बट वो हमें लेना होगा इस देश की ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो सब हमसे ही पैसा कमा रहे हैं। तो ये बुक उन सब प्रोविजंस को, सेक्शंस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, टैक्समैन के लिए भी, टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी, एंड MNCs के लिए भी जो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। मैम आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहिए बुक के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट थी, ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत सारी चीज़ें होती है उसके बारे में, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को किस तरह से बुक में हेल्प किया गया है, वो थोड़ा आप कुछ बताना। मैं बताती हूँ जस्ट जो कंटिन्यू की व्हाट कुमार साहब सेड। सी अभी क्या हो रहा है कि जो इट्स जो सर बात कर रहे हैं कि गूगल है, फेसबुक है, ये लोग हमसे अर्न कर रहे हैं बट हमको पैसा नहीं दे रहे हैं। तो दिस इज़ द न्यू बिजनेस मॉडल्स दैट हैव कम। सो इंटरनेशनल वो लोग इतनी बड़ी कंपनीज हैं दैट टू टैक्स देम वी हैव टू चेंज आवर लॉज। सो दो चेंजेस इन लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट कैन टैक्स, बट इफ इट इज़ अ फॉरेन कंपनी देर आर फ्यू प्रोविजन्स अंडर द ट्रीटी विच नीड्स टू बी कम्प्लाइड विद। जैसे परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, वो एस्टैब्लिश इंडिया में होना चाहिए तभी टैक्स होगा। अभी फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है तो किसको जाके पकड़े। सो देर इज़ अ नीड ऑफ चेंज इन लॉ विच वी आर डूइंग लाइक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, फिजिकल नहीं, इकोनॉमिक प्रेजेंस दैट वी टॉक नाउ। आपका इक्वलाइजेशन लेवी दैट केम इन 2016, तो ये चीज़ें हैं जो हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने लॉ के अंदर। सर राइटली मैंशन ई असेसमेंट, फेसलेस असेसमेंट से मुझे लगता है कि करप्शन का लेवल, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अभी करप्शन है, लेकिन एक ईज ऑफ असेसमेंट इतना बढ़ेगा, उससे हमारा कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बढ़ेगा और उससे देश का ही हित होने वाला है। वो पैसा वापस लौट के कहाँ आने वाला है, हमारे पास आने वाला है। सो ऑल दिस थिंग आई मीन इट्स टेकिंग शेप एंड इट इज़ गुड। एंड आपने पूछा ट्रांसफर प्राइजिंग एंड ऑल, देखिए क्या है, ट्रांसफर प्राइजिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पहले साइलो में था, अपना इंडिया का अलग है, यूरोप में अलग है। अभी दे हैव कम विथ CBCR, जहाँ पर एक कंपनी इफ़ इट इज़ पासिंग ऑन द थ्रेशोल्ड, इन दैट केस इट हैज़ टू रिपोर्ट इट्स ग्लोबल एसेट्स। ग्लोबल आपने कितने पैसे, आपके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, तो उससे क्या है आपके ग्लोबल जितना आप रेवेन्यू कमा रहे हैं वो आपको एक जगह पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। इससे क्या है इंटीग्रेशन एंड मोर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लॉज इन डिफरेंट कंट्रीज द टैक्स बेनिफिट शुड नॉट बी टेकन। कि एक कंट्री में कोई लूप हॉल है और वहाँ दूसरी कंट्री में दूसरा है तो दोनों का टैक्स का आप दोनों कंट्री में टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज एंड मोर इट टॉक्स अबाउट कि कैसे आप विद इन फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ अपने बिजनेस को कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल लॉ, आई मीन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। देखिए इसमें जो सुधा जी ने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स पे बुक लिखी है, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और ये बहुत खुशी का मौका है, क्योंकि एज ए पार्टनर और एज ए लाइफ पार्टनर शी हैज़ रिटन दिस बुक फॉर द टैक्सपर्ट, फॉर द टैक्स प्रोफेशनल्स एंड फॉर द कॉमन बिजनेसमैन। इट विल डेफिनेटली असिस्ट ऑल टैक्स प्रोफेशनल्स टू कम्प्लाई देयर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। उसमें डॉक्यूमेंटेशन कैसे हो, क्या क्या प्रिक्यूशंस लेनी चाहिए, उसको कैसे आप कंप्लाई करें, ऑल दोज थिंग्स हैज बीन कवर्ड इन दिस बुक। ओके सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, मीडिया ने आज छठा बुक लिखा हुआ है, कितना प्राउड कर रहे हैं, और एक जमाना था कि कोक में ही मार दिया जाता था वीडियो को, आज लोग प्राउड कर रहे हैं वीडियो पे। आपको कितनी खुशी हो रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को बहुत खुशी हो रही है जो उसने ये प्रयास किया है, किताब लिखी है, पहले भी किताबें लिखी हुई हैं, तो और ये जो सब्जेक्ट जिस पे उसने किताब लिखी है, कभी कभी हम जो है एक्चुअल चीज़ को जानते नहीं इसलिए ज़्यादा डरते हैं। जैसे हमको रास्ता नहीं पता होता तो हम ज़्यादा डरते हैं कि शेर होता नहीं है, लेकिन उसके भय से ही ज़्यादा डरते हैं। तो ये बुक क्या करेगी कि जो एक साधारण बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल या कोई भी है, वो जानता नहीं है नियम क्या है,
नियम ना जानने की वजह से क्या होता है, उधर तो जो अथॉरिटीज हैं उससे डर करके और वो जो है दूसरे रास्ते एडॉप्ट करता है, लेकिन चाहे हम करें कुछ भी मगर लॉ का हमको पता होना चाहिए। तो ये जो बुक है ये एक साधारण व्यापारी को और साधारण जो है नागरिक को भी बताएगी कि नियम ये कहता है। जब नियम हमको पता होगा तो हम उतने नहीं डरेंगे जितने कि बिना जानकारी के डरते हैं। और इसमें जो है पटौदिया सर जो है आप कहिए कि उनके प्रेरणा के दाम भी दे रहे हैं, मतलब प्रेरणा स्रोत जो है। और आपको कितना प्रभावित किया, लोगों का कैसा रिएक्शन रहा इस बुक को लेकर, क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? सुधा चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में उसकी विशेष रुचि रही है प्रोफेशन में जब से आई है, और फेमा से रिलेटेड इंटरनेशनल टैक्सेशन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उस पर पहले भी उसने बुक लिखी है, जैसा कि अभी प्रोग्राम में अपने पता चला कि छठी बुक ये है। और ये जो प्रेरणा मिलती है ये कोई एक खाली एक्ट पढ़ने से या कोई एक चीज़ समझने से नहीं होती है, टैक्स पट करके उनका एक अपना ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक अपना इतिहास है, और विनय जी जो उसके लाइफ पार्टनर है, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दोनों ने एक ऐसी टीम बनाई है जो हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इस प्रोफेशन है उसके हर एरिया में नए नए एक्सपर्ट तैयार कर रहे हैं। जैसे विनय जी है वो इंटरनेशनल इनडायरेक्ट टैक्स के एक्सपर्ट है, वो इंटरनेशनल टैक्सेशन और फेमा में एक्सपर्ट है, ऐसे उनकी और भी टीम है, आने वाले समय में और नए डायमंड्स टैक्सपर्ट से देखने को मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले तो टैक्सपर्ट को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, देश के जो बिजनेसमैन हैं, उनको एक वन विंडो सर्विस प्रोवाइड करने की जो प्रयास किया है उसमें उनको काफ़ी सफलता मिली, वो तेज़ी से उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और हमारा जो सीए प्रोफेशन है उसमें आज हम देखते हैं कि हमारे ज़्यादा जो न्यू क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो सर्विस की तरफ जाते हैं, ऐसे समय में उन्होंने हमारे न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसे वो अपने प्रोफेशन को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो आज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे एक बुक रिलीज हुई है, एक नया मैं बोलता हूँ आपको कि माइलस्टोन है, और आने वाले समय में ऐसे और माइलस्टोन टैक्स पट में सुधा जी और विनय जी की लाइफ में आएंगे, ये मेरी शुभकामना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट टू सुधा एंड टैक्स पट। हमारे साथ दिलीप जी माहेश्वरी है जो हमारे इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन के महासचिव हैं, और हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, हमारे जो प्रोफेशन के लोग हैं, हमारे वेश्य समाज से बहुत कनेक्टेड रहते हैं। 1 फरवरी जो बजट का दिन रहता है उसी दिन शाम को एक बजट पे बहुत अच्छा प्रोग्राम रखते हैं दिलीप जी माहेश्वरी, IMC में आप सब आमंत्रित भी हैं, और मैं उनके भी विचार इस मौके पर सुनना चाहूँगा। ये हमारे आने वाले विधायक भी हैं। सर्वप्रथम तो सुनील जी का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, और वास्तव में जब मैं आके मैंने जब सुधा जी को और सुना जिस तरह की स्पीच खालिद सर ने दी, जो सुधा जी वास्तव में सबसे पहले शुभकामना दूंगा सुधा जी ने आज छठी बुक में, कहता हूँ ईश्वर उन्हें और शक्ति दे, और इस तरह से वो जो लॉ के ऊपर किताबें लिख रही हैं वास्तव में स्त्री होकर एक कानून कायदे की जो बात सिंप्लीफाई करके बिजनेसमैन के लिए ला रही हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज सामान्य आदमी टैक्स के नाम से डरता है, पर टैक्स यदि उसे पता चल जाए कि इस टैक्स के को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, इस टैक्स की किस तरह से बाहर आया जा सकता है, तो वैश्य समाज भी पूरा वैश्य समाज जो खास करके बिजनेस कम्युनिटी है वो सुधा जी को इस मौके पर बधाई देता है कि इस तरह की किताबें उन्होंने जो प्रकाशित की, इस तरह की किताबें जो उन्होंने लिखी है, और वास्तव में ये हमारे काम आएगी, और आने वाले समय में हम हमारे टैक्स को ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन से भर पाएंगे और देश की उन्नति में सहायक हो पाएंगे। थैंक यू सो मच।